वो इंजॉय करता है, दैट्स ओके फाइन कि चलो ये करना है। अज़ियत पसंद है बेसिकली? नहीं, अज़ियत पसंद भी नहीं है, वरना अज़ियत पसंद होता तो बीवियों के साथ क्या क्या कर रहा होता। तो अज़ियत पसंद भी नहीं है। वो जमदा सो रही है, उसको आके उसने नींद से नहीं उठाया, उठो उठो चलो। जमदा ने तो कोई और ही जादू चलाया हुआ है। वो उसको भी नहीं तंग कर, उसको धक्के मार सकता था। जब वो दूसरी बीवी कमरे में जा रहा था और वो बीच में खड़ी हुई थी, देयर वाज अ मोमेंट कि वो उसको धक्के मार के कहता कि चलो अंदर। तो व्हाई ये क्यों उसकी सॉफ्ट साइड दिखाई? मैं इस बारे में क्यूरियस हूं, बिकॉज़ मुझे वो लग रहा था कि जो पोर्ट्रे हो रहा है ना, हम ड्रामों में ना हम एक ही तरह का बंदा दिखाते हैं, ये यही है। तो जो आपको लेयर्स मिलती हैं कैरेक्टर्स की कि एक आदमी है, किसी को लगता है बहुत अच्छा है, किसी को लगता है बहुत बुरा है, किसी को लगता है इससे अजीम इंसान कोई नहीं है, किसी को लगता है इससे घटिया आदमी कोई नहीं है। तो वो आपके बिहेवियर्स होते हैं, हर इंसान के साथ अलग होते हैं। फिर ऑब्वियसली चिनार सरदार है तो उसको पता है कि वो किस तरह से सारा कुछ लेके चल रहा है। बच्चे हैं, पूरी फैमिली है जिसको वो लेके चल रहा है, बिजनेस है। वो कहता है कि ये मसला हो रहा है, कहता कोई नहीं हम बात कर लेगा, वो हुकूमत का लोग से हम बात करेगा। तो वो मतलब कोई हल्का आदमी नहीं है, सोर्सफुल आदमी है, ही नो हिज गेम। मे बी उसकी वाली साइड नहीं होती जो मारने वाली है, मे बी उसकी सिर्फ रोमांटिक साइड होती, बट वो कोई और नहीं था संभालने वाला। तो वो चनार इसलिए खड़ा हो गया है कि ठीक है हम करता है। यू आर जस्टिफाइंग वेरी नाइसली, आई लाइक इट। नो नो नो, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, नो नो, बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग द वे यू नो क्योंकि बादशाह बाहर चला गया, बादशाह बाहर चला गया, ठीक है। गुलाब जो है वो बेचारा नरमदिल आदमी है, सो कोई तो एक होगा ना जो बाप के साथ खड़ा होगा। तो कभी-कभी बुराई भी खड़े होने की जैसे बुराई भी बढ़ती, दिस इज समथिंग लाइक इट्स रियली गुड। हां, तो ये सारी चीजें आप प्रोसेस करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आप करते हैं, आप डिस्कस भी करते हैं सेट पे। हमारी हम रात को जब पैकअप करके बैठते थे डिनर पे ना, हम सियासत डिस्कस करते थे ना, हम कोई और फजूल बातें, हम स्क्रिप्ट को लेके लगे रहते थे। या तो हम वही जो सीन जो हमने किए उनका तजिया हो रहा होता था, या तो फिर अगली इसके कनेक्टिंग सीन्स जो हैं वो फिर हमने क्या करना है, कैसे होगा, अच्छा उसमें जो ये है वो कैसे होगा। सो यू नो कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चलती रही है हम लोगों की वहाँ पर, ये बहुत अच्छा। तो गिवन जैसे आप बता रहे हैं कि इज़ नॉट समबडी जो उसको पता है व्हाट्स हिज गेम एंड ही इज क्वाइट यू नो शार्प, वो ज़मदा के ऊपर कैसे, ज़मदा है मैं उसको ज़मदा, वो ज़मदा पे इतनी आसानी से क्यों यकीन कर रहा है? उसको नहीं पता होगा भाई मैं इसके तो सारे ख़ानदान को उड़ा दिया, हाउ कैन शी बी सो ओके विद मी? वो करेगी तो क्या कर लेगी, हाँ क्या ही कर लेगी। ये एक बड़ी मज़े की बात है। मे बी ये इसके लिए कोई पहला इस तरह का केस ना हो, इनकी फैमिली में कोई और औरत भी हो, एक कोई आम औरत उसको रखते हैं और आप ये सोचें कि यही सब कुछ एक आम औरत के साथ हुआ है, वो क्या कर सकती है? दिस इज ज़मदा जो एक स्टैंड ले रही है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ देम। इनको तो ये अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करें कि कोई एक बिल्कुल आम औरत जो इनको लगता है कि ज़मदा भी शायद वही है, वो क्या कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती नहीं। तो मतलब मैं ये बात पहले भी एक जगह बता चुका हूँ, हम एक ट्रैवल कर रहे थे, एक शूट पे मैं गया तो मेरे साथ ज़ेबा जी थी, ज़ेबा बख्तियार। वो कहीं वॉशरूम उनको जाना था, वो वापस आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कहती यार मैंने अंदर औरतें देखी हैं फैसल, 2 फुट से ऊंची छतें नहीं हैं और उसके अंदर वो औरतें या तो बैठ सकती हैं या लेट सकती हैं, तो वो औरतें बेचारी क्या कर सकती हैं? मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, आई नो कि हमारे मुल्क में क्या क्या होता है, किस तरह मेंटल अब्यूज़ होती हैं, किस तरह क्या कुछ होता है। बेचारी औरत क्या कर सकती है? मैक्सिमम आज के दौर में पढ़ी लिखी लड़की, ये ड्रामा या इस तरह की चीज़ें दिखाने का मतलब ये है कि यू कैन रेज़ योर वॉइस, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इतनी बड़ी आर्मी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं अगर अकेली औरत खड़ी हो तो। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, मैं अभी नहीं बात करूँगा इस पर, हाँ कि एंड पे ज़मदा पागल हो जाएगी। आज है रॉन्ग आंसर्स ओनली, रॉन्ग हिंट्स ओनली इन दिस शो, राइट? मैं सही कह रही हूँ ना? सही बात है, पागल हो जाएगी। मेरे पास कुछ नहीं पता कहने को, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकती। बट चनार और बादल में बड़ी चीज़ें सेम हैं, दोनों इंपल्सिव हैं, दोनों इमोशनल हैं, दोनों एकदम से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, हम काम में भी पठान हैं, हम ड्रामे में भी पठान हैं। आई थिंक वी आर ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट? ये इनका चार्म है, राइट? चनार का चार्म है एक, जो क्या है, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत में गुस्सा भी है, जोर भी है, सब कुछ है, जज्बात इज देयर, राइट? जहाँ पे ऑन द ऑपोजिट एंड बादल इज टूटा हुआ, दबा हुआ जज्बात, उसको भी अपना कुछ करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जब हम कर रहे थे, आई वुड सी हिम कि ये कैरेक्टर को किस तरह प्ले करना है। दैट्स सो कूल मैन। मैंने कहा ठीक है, अगर ये कर रहे हैं ना, देन आई नीड टू बी द ऑपोजिट एंड। I cannot be similar. He's enjoying, he's loud, he's like बात ही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल दबा हुआ है। You're so right here. Contrast में। So but जज्बात दोनों के पूरे जज्बात नहीं गए। और मैंने ये कहा कि हम दोनों काम के पठान हैं, मतलब फंस गए जहाँ फंस गए। तो कहाँ फंसते थे वैसे एक्टिंग में? और भाई चाहे कुछ भी, जब हम गिलगित में पहला स्पेल कर रहे थे, इतनी गर्मी थी, ऐसी धूप थी, हाँ मैं घड़ी छप जाती थी, बनियाने छप जाती थी। सीरियसली, नॉट जोकिंग। टैन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। वो सन इज सो हार्श, फौरन आप जलेंगे। दो के बजात ने बहुत बचा के हमें शूट किया, लेकिन हम आए थे तो ऐसे हुए थे। आप लोग उस जगह पे पहले गए हुए थे या पहली बार गए थे उस एरिया में? उस एरिया में पहली दफ़ा गए। एनीथिंग न्यू यू फाउंड आउट? बड़ा खूबसूरत जगह लग रही है, इट्स लाइक ब्रेथ टेकिंग। जब आप व्यूज़ भी देखते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। गिलगित मैं पहली दफ़ा प्रॉपर्ली गया था। हमने एक दफ़ा एक फिल्म के लिए जब शूट किया था, एक हफ्ते के लिए था वहाँ पर, राइट? अराउंड द सेम एरिया। मगर वो बहुत नॉट सो मच आउटसाइड इन एवरीथिंग, राइट? वही शहर में ही वो था। चले थे साथ में। हुंजा अलबत्ता वो काफ़ी था, तो उसका मुझे अंदाज़ा था कि भाई यहाँ पे आप जल भी जाएंगे, सन ब्लॉक आप थोपें अगर आप थोप सकते हैं, कपड़ों को आप रखिए कि आपको पता है कि अगर दिन में शदीद गर्मी होगी तो शाम तक ठंड हो जाएगी। हर हालत में सूरज जैसे ही नीचे गया, यू हैव टू पुट समथिंग ऑन। सो दैट वाज फन। हाँ, वो इतना पता था। शामें ठंडी होती थी, अच्छी मज़े की होती थी। नहीं, मतलब कोई एरिया के बारे में कोई नई चीज़ आपको पता चली, कोई फैसिनेटिंग फैक्ट या कोई चीज़ दैट यू कैन शेयर विद द व्यूअर्स? बिकॉज पहली बार जा रहे हैं, वो एरिया हम लोग कम एक्सेस होता है। ख्याल से तो जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। ब्यूटीफुल प्लेसेस। हमने तो बाय रोड भी इत्तेफाक हुआ ना कि हमारे जब जहाज़ की फ़्लाइट्स कैंसिल होती थी, तो मैंने तो 2 दफ़ा बाय रोड किया। तो बड़ा लंबा होता होगा। जो लास्ट वाला था वो तो ना वो तो मुझे 18-19 घंटे लगे थे स्कर्दू से इस्लामाबाद आने में। हाँ, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग तो फलाना ये। अच्छा, मैं गिलगित से इस्लामाबाद गया था। अच्छा, मैं भी गया हूँ। 15 घंटे मैं सना और फरमान के साथ गया था ना। या मगर हमने ओवरनाइट स्टे किया नारायण में। या, लेकिन वो हम गए बाबूसर टॉप। ओफ, ब्रेड टेकिंग। मैं जब गया सारा हुंजा, हम दोनों हुंजा गए। शुजा को हमने उठाया, हमने कहा चल भाई हुंजा। अच्छा, ऐसे काम भी करते थे आप? हाँ, हमारी शूट नहीं थी तीनों की, हम तीनों हुंजा चले गए। हमारा ऑफ था। मैंने कहा पिज्जा खाना है, तो वो जो एक फेमस उनका है, हाँ, वो ऊपर पामीर पिज्जा। यस, अमेजिंग। उसको पिज्जा, रियली गुड पिज्जा। अच्छा, और पता नहीं जब मैंने खाया तो, क्योंकि इतने अरसे से आपने खाया नहीं था, तो पिज्जा आपको और भी ज्यादा मजे का लगता है। एब्सोल्युटली, नहीं वो वैसे बहुत मजे का है। हमने काला, सफेद और ग्रीन कब्बा देखा। बिल्कुल, क्या काला, सफेद और ग्रीन कव्वा देखा। तो ग्रीन, हाँ, अजीब सा था कुछ, उसके कई रंग थे। हाँ, मे बी वाज अ रेवन, मगर वो इतना बड़ा नहीं था। रेवन इज लाइक रेवन इज ब्लैक लार्ज कव्वा, राइट? इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा लार्ज। बिल्कुल काला होता है। हाँ, वो बिल्कुल काला भी होता है, दैट्स राइट। तो मगर वो अजीब ही 3 रंग थे। मजे की बातें बताई ना, आई होप आप मजाक नहीं कर रहे हो। नहीं, मजाक नहीं कर रहे। मेरे पास वीडियो है, वो मैं भेजूंगा, लेकिन वो आप म्यूट करके देखिएगा क्योंकि पीछे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वॉइस टॉक। वहाँ कोई खाने की अच्छी जगह थी आसपास? हाँ, गिलगित में थे। बट मोस्टली देसी, राइट? उनकी वो नहीं, देयर वाज अ वेरी नाइस कैफे। हाँ, 3-4 तो बहुत अच्छे कैफे थे। एक कॉफ़ी शॉप मुझे मिल गई थी, द DOP जमील, उसने रेकमेंड की थी। यार, क्या कॉफ़ी थी, अमेजिंग। मैं तो खरीद के वापस भी आया। Yeah, it was amazing. So they had these really nice little places over there. I mean, so nice, amazing. आप स्कर्दू में, आप गिलगित में, आप हुंजा में, I mean, yeah, great places. वो पहाड़ के ऊपर वो कौन सा रेस्टोरेंट जो था जिस बिल्कुल टॉप पे है, वो उसका कोई केक भी मशहूर है, if I'm not wrong. सरीना? नहीं, it's a small hotel or it's a small cafe. Baroque? हाँ, जहाँ तुम रहे भी थे मेरे ख्याल से। हाँ, एक रात में ब्रोक था ना, समथिंग लाइक दैट। ऊपर था। यस,